माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा है जी, बहुत खूबसूरत है, व्हाइट कलर का है माशाल्लाह। ये दो दांत है, चार दांत है? चार दांत है। अच्छा, चार दांत है माशाल्लाह। इसके दांत तो जरा दिखाइएगा, एक मिनट में देख लेता हूँ। माशाल्लाह जी, ये चार दांत बल्कि छह दांत नहीं हो गया? नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मियां कैटल फार्म शहूपुरा में। इस फार्म के जो ओनर हैं नुमान भाई मेरे पास मौजूद हैं, इनसे इनके कैटल फार्म के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ली जाएगी। इनके पास बहुत ही हैवी वेट, महंगे और नायाब किस्म के बछड़े मौजूद हैं। इनसे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं ली जाएगी बल्कि इनसे पूछा जाएगा कि इंतहाई ईमानदारी के साथ इंफॉर्मेशन दे कि ये खुराक क्या दे रहे हैं और इन बछड़ों को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर हैं जो ये खूबसूरत बछड़े देखेंगे और उनका दिल करेगा कि हम भी इस तरह का फार्म बनाएं, लेकिन वो नुकसान उठाएंगे। क्या वजह होगी, उसके अंदर उनका तजर्बा नहीं होगा, तो वो तजर्बे वाली सारी बातें नुमान भाई से पूछेंगे ताकि आप भाई अगर ये शौक करते भी हैं तो आपको नुकसान ना हो। और हमारी कोशिश होगी कि रोजाना की बुनियाद पर आपको पूरे पाकिस्तान का कैटल फार्मिंग का विजिट करवाया जाए। तो चलते हैं नुमान भाई के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई सुनाएं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नुमान भाई, आपने जैसा कि तारुफ में सुन लिया है कि आपने साफ सुथरी बात बतानी है, सच बात बतानी है, ताकि आपके जानवर इतने खूबसूरत हैं कि हर बंदे का दिल करेगा कि वो भी कैटल फार्मिंग करे, लेकिन जब वो महंगे बछड़े खरीद लेगा अगर तैयार ना कर सका तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी भाई को नुकसान ना हो आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं, ये जी आपके बछड़ा है, इसका नाम बताएं और इसकी नस्ल के मुतल्लिक एक एक चीज बताएं। जी ये है जग्गा, इसका नाम हम। अच्छा माशाल्लाह, जग्गा रखा है जी। अच्छा ये मियां कैटल फार्म का जग्गा है जी, इसके मुतल्लिक नुमान भाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा भाई जान, ये जो जग्गा है इसके दांत कितने हैं? ये चार दांत है। अच्छा ये चार दांत है माशाल्लाह, तो इसकी उम्र कितनी हो गई है और इसका वेट कितना होगा, सारी चीजें जरा बताइएगा। ये ना तकरीबन 3 साल इसकी उम्र है। अच्छा वेट इसका 35 मन से ज्यादा है। अच्छा 35 मन से माशाल्लाह ज्यादा है जी। तो आपके फार्म पर इसको कितना अरसा हो गया है? जी ये हमारे पास तकरीबन 2 साल से। अच्छा 2 साल से है जी। तो भाई से कहूंगा थोड़ा सा इसको चलाए, इसकी खूबसूरती ताकि नजर आए और इसकी तैयारी बैक साइड से भाइयों से मैं अपने व्यूअर से कहूंगा गौर करें कि इसकी तैयारी देखें बैक साइड से किस तरह है। फुल तैयार बछड़ा है, जिस तरह बॉडी बिल्डर के जिस्म पे कट्स लगे होते हैं, कट्स बने होते हैं, उसी तरह इस बछड़े की माशाल्लाह तैयारी है। अच्छा नुमान भाई ये बताएं, अगर मुनासिब समझे बेचना तो आपने जहरी बात है ये शौक वाले भाई को या किसी को और कुर्बानी पे बेचना है, लेकिन एक अंदाजे के साथ मुहतात अंदाजे से इसकी कीमत क्या होगी? इसकी 80 लाख रुपए कीमत। अच्छा इसकी माशाल्लाह 80 लाख रुपए आप डिमांड करते हैं। ये जो खूबसूरत बछड़े हैं ये लाहौर में ही आप बेचते हैं, अपने फार्म पे बेचते हैं या कराची लेके जाते हैं? जी नहीं, हमारे फार्म में ज्यादा बिक जाते हैं, जो रह जाते हैं वो हम ना लाहौर मंडी में बेचते हैं। अच्छा वैसे जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का शौक जो है वो कराची में होता है, वहां पे लोग पैसा खर्च करते हैं, जानवर के पैसे देते हैं, यहाँ हमारे पंजाब में उस तरह पैसा खर्च नहीं किया जाता। नहीं, पंजाब में बहुत शौकीन लोग। अच्छा बहुत शौकीन लोग जी। अच्छा अब सबसे मेन जो सवाल है, इन बछड़ों को तैयार किस तरह किया जाता है, इनको खुराक क्या दी जाती है? मैंने सुना है कि इनको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं ताकि ये फरबा हो जाए, मोटे हो जाए, कोई ऐसी बात तो नहीं? इंजेक्शन वाली बात कोई भी नहीं है, ये सब झूठ है। हम इनको देसी खुराक देते हैं। अच्छा हम ज्यादातर इनको दूध और ना घी देते हैं। अच्छा दूध और घी। देसी खुराक के अंदर वनडे के अंदर कौन कौन सी चीजें आप डालते हैं? वनडे में हम चने वगैरह, मक्की, गंदम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा ये बताएं, इस वक्त मियां कैटल फार्म पर कितने बछड़े मौजूद हैं और कौन कौन सी नस्लों के मौजूद हैं? जी हमारे पास तकरीबन 70+ हैं। अच्छा माशाल्लाह 70+, और नस्लें कौन कौन सी हैं? हमारे पास हर नस्ल का बछड़ा। अच्छा थोड़ा सा आगे आइएगा और बछड़े भाइयों को दिखाते हैं, ये जगह है, उसके बाद ये जरा बताइएगा इसका नाम क्या है और इसकी नस्ल क्या है। माशाल्लाह झालर बहुत ही आउट क्लास है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा है जी। जी ये इसका नाम हमने सोना रखा हुआ है। अच्छा सोना जी, माशाल्लाह है भी सोना जी, है भी सोना, ये चोलस्तानी नस्ल में आ जाता है। अच्छा अच्छा ये चोलस्तानी नस्ल में है जी माशाल्लाह। इसकी झालर आप भाई देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा है। तो इसका वेट वगैरह कितना होगा? इसका वेट तकरीबन 25 मन से ज्यादा है। अच्छा ये बताएं, ये खरीदा किस जगह से? ये हमने
मुल्तान मंडी से खरीदा था, बच्चा था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त बच्चा था। मुझे ये बताएं, आपने तो खरीद लिया, आपका तजुर्बा है, जो नए लोग इस तरह के बछड़े खरीदना चाहते हैं इतने इतने महंगे, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह वो खरीदें, महंगे ना खरीद लें? जी वो भाई असल में ना ये नस्ल पे डिपेंड करता है, उसको देखना पड़ता है कि ये इसके हाथ पांव कैसे हैं, नस्ल कैसी है, सही ताकि है। इसको हम अगर 2-3 साल इसकी प्लाई करें तो ये कैसा रिजल्ट देगा। सही बात है, तो वो तो तजर्बाकार बंदे को ही पता चलेगा जी। लेकिन ये है कि एक नया फार्मर अगर किसी तजर्बाकार भाई को ले जाता है तो वो उसके साथ फ्रॉड कर लेता है, इसका हल क्या है कि नए फार्मर को नुकसान ना हो? नहीं, वो ना उसे देखना चाहिए, ज्यादातर ब्रोकर होते हैं मंडियों में, वो ना धोखा करते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर वो किसी फार्मर को लेके जाएगा ना अच्छे को, धोखा नहीं करेगा। सही बात है। अच्छा, इसके साथ और गुलाबी बछड़े खड़े हैं, वो भी आप भाइयों को दिखाते हैं। माशाल्लाह ये बछड़ा, इसकी हाइट बहुत ही आला है, खूबसूरत बछड़ा है। इसका नाम बताइएगा, इसकी नस्ल बताइएगा। इसका नाम राजू है। अच्छा जी, राजू है, माशाल्लाह। राजू साहब को कितनी देर हो गए हैं मियां कैटल फार्म के फार्म पे आके खुराक खाते हुए? ये तकरीबन 3 साल से। अच्छा, माशाल्लाह 3 साल से। भाई इसको थोड़ा सा चलाइएगा ताकि ये नजर आए भाई। माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा है जी, बहुत खूबसूरत है, व्हाइट कलर का है माशाल्लाह। ये दो दांत है, चार दांत है? चार दांत है। अच्छा, चार दांत है माशाल्लाह। इसके दांत तो जरा दिखाइएगा, एक मिनट में देख लेता हूँ। माशाल्लाह जी, ये चार दांत बल्कि 6 दांत नहीं हो गया? अभी हो रहा है। हाँ, अभी 6 दांत हो रहा है जी, माशाल्लाह। इसकी हाइट आप देख सकते हैं, इसका वजन भी आप भाइयों के सामने है। इसके साथ एक और प्रिंटेड बछड़ा है जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके दांत क्या है जी नुमान भाई? ये चोगा हो रहा है। हाँ, ये 4 दांत है जी, माशाल्लाह दांत नजर आ रहे हैं। सारी कलेक्शन ही मियां कैटल फार्म पर बहुत ही आउट क्लास है और बहुत ही नायाब है, महंगी कलेक्शन है। जो शौक वाले भाई हैं, जो शौकीन भाई हैं, वही खरीद सकते हैं। आम नॉर्मल बंदा जिसको शौक नहीं है वो नहीं खरीदेगा। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं, ये इस बछड़े को कितना टाइम हो गया और कहाँ से ये बछड़ा खरीदा गया? ये भी हमारे पास 3 साल से है, ये हमने रहीम यार खान से बच्चा खरीदा था। अच्छा, रहीम यार खान से बच्चा माशाल्लाह खरीदा था। अब ये जवान हो गया जी, 4 दांत है माशाल्लाह। इसकी कमर जो है बहुत ही तैयार है, चौड़ाई आप देख सकते हैं, कोई हड्डी इसकी नजर नहीं आ रही माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बछड़ा है जी, माशाल्लाह जी। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं, इनकी जो खुराक है हर बछड़े की सेम है या आप अलग अलग इनको तैयार करते हैं? नहीं, एक ही खुराक हम। अच्छा, सारे बछड़ों को एक ही खुराक तैयार कर देते हैं, तो खुराक एक जितनी देते हैं या बड़े छोटे का फर्क होता है? नहीं, जितनी अगर ये बड़ा बछड़ा ये 10 किलो खाएगा तो 10 किलो डालेंगे, छोटा होता है वो ज्यादा नहीं खाता। अच्छा, छोटा ज्यादा नहीं खाता, सही से खानी होती है माशाल्लाह जी। इसके आगे पीछे और भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछड़े हैं जी। ये एक रेड कलर का, प्योर रेड कलर का बछड़ा है जी। इसकी नस्ल नुमान भाई बताइएगा, कौन सी नस्ल है? ये साहिवाल। अच्छा, ये साहिवाल माशाल्लाह। ये दांतों से क्या है जी? ये 2 दांत है। अच्छा, ये 2 दांत है जी माशाल्लाह, साहिवाल नस्ल है। मेरा ख्याल थोड़ा सा डरता है ये बछड़ा, इसके दांत चेक करने मुश्किल हैं तो हम चेक नहीं करते। आगे ये एक चोलस्तानी बछड़ा है, बहुत ही हाइट वाला माशाल्लाह, ये भाइयों को नजर आ रहा है। नुमान भाई, इसके दांत क्या है? ये 4 दांत। ये 4 दांत है और चोलस्तानी है ना, मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, चोलस्तानी। ये कहाँ से खरीदा है? ये हमने खरीदा था बहावलपुर। अच्छा, बहावलपुर। अच्छा नुमान भाई, ये बताइए, अगर नए फार्मर को जो सही असल मसला आता है ना, बीमारियों का आता है। पिछली दफा लंपी स्किन का इशू आ गया, इस तरह इस दफा आम रूटीन में छोटी मोटी बीमारियां आती रहती है, तो आप उन बीमारियों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं? डॉक्टर्स वगैरह हायर किया हुआ है या खुद करते हैं? इनकी इनको कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं? नहीं, वो ना हम इनको वैक्सीन कर लेते हैं मौसम के हिसाब से। अच्छा, कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं आप? इसको हम ना वो मुंह खुर वाली, गाल घोट वगैरह, लंपी की ये जो आई है अभी। अच्छा अच्छा, तो सारी वैक्सीन आप करते हैं? लंपी की जो आप वैक्सीन करते हैं वो कहाँ से, बाहर से मंगवाते हैं या इधर पाकिस्तान इस्तेमाल? नहीं, वो बाहर की, बाहर से मंगवाते हैं। तो पाकिस्तानी का रिजल्ट नहीं है? नहीं, उसका रिजल्ट नहीं है। अच्छा, उसका रिजल्ट नहीं है, सही बात है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नुमान भाई, ये बताएं, आपको इस शोबे में कितना अरसा हो गया? आपके माशाल्लाह वैसे तो बड़े करते आ रहे हैं, आपको इस फील्ड में कितना टाइम जी? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 सालों में कौन सी ऐसी मुश्किल है जो आप नए फार्मर को बताना चाहेंगे कि ये काम शुरू करने से पहले ये चीज जरूर जहन में रखें ताकि आपको नुकसान ना हो? असल में ना हमने जो भी काम शुरू करना है ना, सबसे पहले वो ना अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। सही बात है, इसमें कोई शक, अगर अल्लाह पे भरोसा होगा ना तो सब ठीक होगा। सही, अगर सही, हम खुद करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, वो फिर नहीं होगा। सही 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 सही। अच्छा ये बताएं, कितने आपने वर्कर रखे हुए हैं इनकी केयर के लिए, इनको चारा वगैरह डालने के लिए? तकरीबन हमारे पास 10 बंदे। अच्छा, 10 बंदे हैं और 50 बछड़े? नहीं, हमारे पास 70 से ज्यादा। तकरीबन 70 बछड़े हैं और 10 बंदे आपने रखे हुए हैं, यानी कि एक
एक बंदा 7 बछड़ों को कवर करता है तकरीबन जी। तो ये बताइएगा वर्कर को मैनेज किस तरह करते हैं, क्योंकि अगर आप फार्म पे नहीं है, वर्कर खुराक नहीं डालेंगे तो इस तरह तैयारी तो नहीं होगी, वो किस कितना मुश्किल काम है उनको मैनेज करना? नहीं, वो हमारा एक मुंशी है तो वो सब देख लेता है। अच्छा, वो सब वो इधर ही होता है सारा दिन जी? सही सही, वो 24 घंटे इधर आता है। अच्छा, 24 घंटे इधर होता है, माशाल्लाह। अच्छा, ये आज आप यहाँ पे देख वगैरह भी कर रहे हैं, कोई फंक्शन है मियां कैटल फार्म पर या क्या रीजन है? नहीं, बस वैसे ही। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वैसे ही। अच्छा, ये बताएं आप इनको आप लाहौर मंडी लेके जाएंगे? जी, हम ना लाहौर मंडी में हमारे 2 कैंप लगते हैं। लगते हैं बिल्कुल। एक शाहपुर मंडी में लगता है, सही है, और एक द्रोगे वाली साइड पे ना जब मंडी लगती है ना लाहौर में उस साइड पे लगाते हैं। इंशाल्लाह मियां कैटल फार्म की जो कलेक्शन है आप भाइयों को मंडी पे भी दिखाई जाएगी जी, द्रोगे वाला में भी इंशाल्लाह और शाहपुर में भी। तो भाई अपना नंबर देते हैं ताकि अगर कोई भाई इनसे किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त करना चाहे वो कर सके। अपना नंबर बताइएगा। 0316 0316 5958 5958 998। ये नुमान भाई का नंबर है जी। इनके बछड़े आपने देख लिए हैं, खूबसूरत हैं, माशाल्लाह बहुत ही आला हैं। तो ये इनका कहना है कि देसी खुराक पे तैयार किए गए हैं, इनको किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया। तो जो भाई भी देसी खुराक से तैयार शुदा बछड़े खरीदना चाहें वो नुमान भाई से रब्ता कर सकते हैं, और बुध वाले दिन ये लाहौर मंडी में मौजूद होते हैं। ऐसी है ना नुमान भाई, हर मंडी जाते हैं? ये बुध वाले दिन हर मंडी जाते हैं जी। अच्छा, इस बुध को भी ये लाहौर मंडी में आएंगे, वहां पे ये बछड़े सेल भी करते हैं और खरीद भी करते हैं आप? नहीं, सेल ही करते हैं। अच्छा, सेल ही करते हैं। ये हर मंडी बुध वाले दिन जाते हैं लाहौर में और वहां पे बछड़े सेल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मियां कैटल फार्म की जो खूबसूरत कलेक्शन है, खूबसूरत बछड़े हैं, वो आप भाइयों को पसंद आए होंगे और इनकी तैयारी भी आप भाइयों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद